डॉक्टर साहब, आपका कमेंट। देखिए, थोड़ी सी आपके व्यूअर्स को यहाँ पर एक तो स्मोक के हवाले से, फिर उसकी वजूहात, उसकी बेहतरी के हवाले से, और क्या कुछ दुनिया में हुआ है वो मैं सामने ले आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो स्मोक, ग्रेट स्मोक आया, जिसकी डिस्कवरी थी स्मोक की पहली, वो थी आपके 1952 में लंदन में, और उसे आपके ग्रेट स्मोक का नाम दिया गया था। 5 से 9 दिसंबर के अंदर 4 से 12 हज़ार अफराद वहाँ हलाक हुए थे और कई हज़ार अफराद सांस की मर्ज में मुब्तला थे। लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने इसको फौरी तौर पर टेकअप किया, और जिन वजूहात की बुनियाद पे ये स्मोक था, उनकी आगाही जब हुई, तो उन्होंने 1960 तक सिर्फ 8 साल के अरसे में एयर क्लियर कर दिया। अब आप ये ज़रा जहन में रखिएगा। दूसरी तरफ आता हूँ मैं, चाइना, चीन की जो बीजिंग है वो भी एक बहुत अहम शहर है, जहाँ पे स्मोक जो है वो अहम तरीन शहरों में टॉप में आता था। लेकिन 2013 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लान जो है उन्होंने किया, और उसकी वजह से उनकी जो आपके स्मोक की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई। और इस सिलसिले में उन्होंने एयर पोल्यूशन प्लान के हवाले से क्या किया, उन्होंने जो कोयले के तहत जो जो चीज़ें हो रही थी उसको कम किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई, सनतों पे सख्त कानून का वो किया, क्योंकि सनतें आलूदगी कर रहे थे, फलाई आलूदगी की निगरानी की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है कॉन्सेप्ट है वो लाए, गाड़ियों का जो बहुत बड़ा आपके धुआं निकलता है, कचरा जलाना जो था वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी गई, आवाम को जी आगाही की गई, और एक बहुत बड़ा काम किया गया, और वो था ग्रीन स्पेस, यानी दरख्त लगाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के शहर पंजाब में लाहौर है, पाकपतन है, बावलनगर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, टोबाक टेक सिंध है, अब तो ये पेशावर और इस्लामाबाद तक आ रहा है, क्या वजूहत है कि यहाँ पर जो है स्मोग हो रहा है, इसलिए हो रहा है? देखिए, दिल्ली, बीजिंग, ढाका, काबुल, जकार्ता, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ काम हो रहा है। सबसे बड़ी वजूहत है इंडस्ट्रियल आलूगी, गाड़ियों का धुआं, मौसमी हालात, तवानाई के जराए कोयले का इस्तेमाल, कचरा जलाना, और बेहतर क्यों हो सकते हैं जो नहीं होते हैं, क्योंकि जी हम जी दिखाई जी नहीं देते हैं, कानून की अमलदारी नहीं है, दरख्त नहीं लगाते हैं, दरख्त तो हम काट रहे हैं ना, आपको पता है, बहुत बड़ा टम्बर माफिया काम कर रहा है, और इसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। फैक्ट्रियों पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हुकूमत में भी हैं, फैक्ट्रीज भी उनकी हैं, गाड़ियों पर कंट्रोल नहीं है, साफ तवानाई के जराए हमारे पास नहीं है, कचरा जलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इमारतों में एयर प्यूरीफाइज जो लगाना चाहिए वो हम नहीं लगाते, मस्नूई बारिश हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो स्मोक को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यस एग्जैक्टली कम से कम इन जो दूसरे ममालिक ने किए हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो होगा ना। अब पंजाब तो इस वक्त मईशत पे सबसे बड़ा बोझ बन गया है, कभी प्रोग्राम होगा तो हम बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत पे पंजाब बोझ बना हुआ है, और चले मौजूदा इंशाल्लाह इस पे भी हम बड़ी करेंगे। नाकामी भी है, तो यहाँ पर स्मोक की नाकामी भी है। चले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।